हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारे कमेंट थे जो नेपाल से स्पेशली हैं, वो लोग भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आपकी नेपाल वाली ज्वेलरी दिखाइए। तो मैंने सोचा अभी मैं नेपाल में हूँ तो क्यों ना मैं अपना ज्वेलरी दिखा दूँ। ये सारे गोल्ड की ज्वेलरी है, मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि दिखाइए आपकी नेपाल वाली ज्वेलरी, स्पेशल वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना के आपको डिज़ाइन दिखा दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरा ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइए। और आप ये मत सोचिए कि मैं शॉप कर रही हूँ और ये दिखा रही हूँ, ये बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो ज्वेलरी के वीडियो वगैरह बनाती हूँ, बहुत सारे तो अच्छे कॉमेंट भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमेंट भी आते हैं कि शॉप कर रही है, दिखा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मेरे चैनल में मैंने बहुत मतलब दो वीडियो डाली है अभी तक ज्वेलरी का, पार्ट वन और पार्ट टू, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं पार्ट थ्री भी बना दूँ और आपको मेरा नेपाल में स्पेशली ये ज्वेलरी पहनते हैं, नेपाल स्पेशल ज्वेलरी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ज्वेलरी मेरे पास क्या क्या है। अभी फ़िलहाल मैं इतना ज्वेलरी लेके नहीं आई हूँ, तो जितना भी यहाँ पे लेके आई हूँ वो सारी चीज़ें दिखा दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला है मेरा रानी हार, इसको रानी हार बोलते हैं नेपाल में, अभी इसका बहुत ज़्यादा फैशन है। जिसकी भी शादी होती है तो उसको ये लेके जाते हैं, शादियों में, पार्टियों में, और जो जनेऊ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पहना जाता है। ये जो ब्राइडल होते हैं, न्यू दुल्हन होती हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा पहनते हैं इसको। तो आप नेपाल की शादी देख सकते हो, आप यूट्यूब वगैरह में देखते हो तो नेपाली वेडिंग देखिए, उसमें भी रानी हार सब जने पहनते हैं आजकल, तो आजकल बहुत फैशन में है ये। जिसके पास भी पैसे हैं वो तो ये रानी हार ले जाते हैं दुल्हन को। ये मैंने बनवाई थी मेरी शादी के टाइम पर, ये शादी के टाइम से ही मेरे पास हैं। इसका वेट 6 तोला है, 61 ग्राम है इसका वेट। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, अगर आप अच्छे से मेकअप वगैरह करके करते हो, इसकी पूरी सेट पहनते हो तो इतना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये रानी हार। आजकल रानी हार का बहुत ही ज़्यादा फैशन है नेपाल में, तो आजकल कम वेट में भी बन जाते हैं, जैसे कि 3 तोला 4 तोला में भी बन जाता है, बट वो थोड़ा सा पतला होता है। डिजाइन तो ऐसे ही लंबा भी दिख जाता है, बट वो थोड़ा हल्का होता है। रानी हार हो सके तो आप थोड़ा वेटी में बनाइए तो वो अच्छा रहेगा। अब आप ये देख सकते हो, ये भी मेरा गोल्ड का ही है। मैं सारे जो भी ज्वेलरी दिखाऊंगी आज वो सब गोल्ड का है। इसको नेपाल में बोलते हैं सिरबंदी बोलते हैं इसको नेपाल में, और इंडिया में इसको माथे का टीका बोलते हैं, शायद माथा पट्टी ऐसे ही बोलते हैं, माथे का टीका ही बोलते हैं। तो ये भी आजकल नेपाल में बहुत ही फैशन है, जो भी ब्राइडल हैं और वो तो पहनती है, और जो तीज वगैरह होता है, तीज होता है, जो दशहरा होता है, और कोई भी वेडिंग का फंक्शन होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पहना जाता है ये। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी मैंने शादी में ही बनवाई थी, ये भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। इसकी सेट ही है मेरे पास, जो ये माथे का टीका है उसका सेट, मेरे इयररिंग भी हैं, और उसके बाद मेरे पास कान की और माथे की और रिंग भी हैं इसकी। और जो ये आप देख रहे हो इसको बोलते हैं छड़के तिलहरी, ये भी आजकल ब्राइडल, मैक्सिमम ब्राइडल लोग पहनते हैं, और स्पेशली तीज में पहना जाता है ये, और शादियों में पहना जाता है। ये बहुत ही लंबा होता है, आपके नीचे तक आ जाता है, आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ थोड़ी सी दिखा दूँगी, पहन के भी दिखा दूँगी। ये जो ग्रीन कलर का है इसको बोलते हैं पोते, और ये जो आगे से आप देख रहे हो ये गोल्ड का है, तो ये है छड़के तिलहरी, आप देख सकते हो। इसको टू टाइप से पहन सकते हैं, दो टाइप से, एक तो तिलहरी को ऊपर करके भी पहन सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में पहना हुआ है, और एक इस तरह से आप नीचे लगा के भी पहन सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है साड़ियों में, स्पेशली ये अच्छा लगता है। और ये आप देख सकते हो, ये भी, इसको भी बोलते हैं तिलहरी, बट वो जो मैंने पहले दिखाई थी उसको बोलते हैं छड़के तिलहरी, और इसको बोलते हैं माइली तिलहरी। आजकल ये बहुत ही फैशन में आया है, ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी अच्छा लगता है, मतलब पहनने के बाद ये अच्छा लगता है, मतलब पूरा लुक आ जाता है इसको पहनने के बाद। जैसे आप साड़ी पहन के तैयार होते हो और ये तिलहरी पहनते हो तो एक अच्छा सा लुक देता है,
मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये, मैं जब भी तीज वगैरह किसी की वेडिंग में जाती हूँ तो ये पहनती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये रेड कलर का आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं पोते। पोते भी आप अलग अलग टाइप के लगा सकते हो। आजकल नेपाल में सीफोन का पोते आया है, इसका फैशन आया है, तो मैंने ये सीफोन का पोते लगवाई थी। और नॉर्मली पोते जो आप लगाते हो वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, इसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा महंगा होता है। और ये है कंगन, हिंदी में इसको कंगन बोलते हैं, नेपाली में इसको बोलते हैं बाला। ऐसी वाली कंगन मैक्सिमम जो नेपाल में मैरिड लेडी हैं उनके पास होता ही होता है, क्योंकि जो शादी होती है, शादी में जो लड़के वाले होते हैं वो कंगन ले जाते हैं, तो इसी टाइप के कंगन ले जाते हैं मैक्सिमम। आजकल अलग टाइप के थोड़ी थोड़ा मोटा टाइप का आया है कंगन, वो मेरे पास इंडिया में है, अभी यहाँ लेके नहीं आई हूँ, कभी मैं आपको वो भी डिज़ाइन दिखा दूँगी। बट ये कंगन की एक ख़ास चीज़ है कि ये बहुत ही कम वेट में बन जाता है, एक तोले में एक बन जाता है, और आपको पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है, तो सस्ता भी, टिकाऊ भी और अच्छा भी होगा ये। ये है मेरा 24 कैरेट की गोल्ड नेकलेस, और इसके साथ है एयरिंग सेट। इसका वेट है 20 ग्राम नेकलेस का है, और इयररिंग का है 12 ग्राम। ये नेकलेस मैंने अभी अभी नया बनवाया है, इसको चोकर टाइप से भी पहन सकते हो, पहनने के बाद ये चोकर जैसा लगता है, बहुत ही प्यारा क्यूट सा लुक देता है। इसी एयरिंग का सेट है, ये माथे का टीका आप देख सकते हो, इसका डिजाइन भी सेम सेम है, और बीच में जो रेड कलर का पत्थर लगा हुआ है ये भी सेम सेम है। तो मेरी पास ये चोकर और ये माथे का टीका और ये एयरिंग और एक रिंग है, वो सेट में है, अभी मैं नहीं लेके आई हूँ। और ये है मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी, इसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। इसका वेट बहुत कम है बट देखने में बहुत बड़ा लगता है, इसको बोलते हैं चंद्रमा। ये जो गोल्ड वाली डिजाइन है ये स्पेशली नेपाल में पहनते हैं, नेपाल में इसका बहुत ज़्यादा फैशन है। इसके मेरे सेट हैं, पूरा सेट बनवाई थी मैंने। एक है मेरे जो बालों में लगाने वाली, वो है चंद्रमा, उसको चंद्रमा बोलते हैं। और वो ये जो देख रहे हो आप, तो टॉप्स है, कान के टॉप्स, और ये है रिंग, इसका पूरा सेट लिया था मैंने। ये पूरा सेट मिला के इसका वेट है 10 से 12 ग्राम के बीच में है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, यही है 10 से 12 ग्राम के बीच में ये मैंने सारे सेट बनवाई थी। तो ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है, आप देख सकते हो। इसको बालों में पहनते हैं इस तरह से, इसको चंद्रमा बोलते हैं। तो पहनने के बाद, अच्छे से तैयार होने के बाद, ये बहुत ही अच्छा प्यारा लुक आता है। और इसको बोलते हैं तिलरी, आप ये देख सकते हो, जो नीचे हैं इसको बस इसमें गोल्ड हैं, और जो ऊपर है उसको बोलते हैं पोते। ये भी नेपाल का स्पेशल ट्रेडिशनल तिलरी हैं, ये जो मैं नेपाल गई थी तब मैंने बनवाई थी। ये छोटा सा क्यूट सा है, प्यारा सा लगता है पहनने के बाद, इसलिए मैंने बनवाई थी। इसका वेट है 2 ग्राम। और ये है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र तो आप सबको पता होगा, नॉर्मली सब जने पहनते हैं, सब लेडीजें मंगलसूत्र पहनती है, बट ये थोड़ा सा पुराना डिजाइन का है, तो मेरे पास ये पहले पड़ा हुआ था, अभी मैंने ये, मुझे डिजाइन नहीं अच्छा लगा तो मैंने सोचा बेचने से अच्छा मम्मी को दे दूँ, तो मैंने अभी ये मम्मी को दे दिया है। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा,
हल्का फुल्का नॉर्मल वाला है, जो पहला पहला डिजाइन चलता था ऐसे ही चलता था, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। अभी भी पड़ा है, हमारे घर पे ही पड़ा है, मम्मी पहनती है बट इसको मैं नहीं पहनती हूँ नॉर्मली। इसको बोलते हैं नवरत्न बाला, इसको बोलते हैं नवरत्न बाला और बागमुखे भी बोलते हैं कोई कोई। इसमें पांच धातुओं का मिश्रण होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर और आयरन और भी और पता नहीं क्या, तांबा मिक्स होता है शायद, पांच चीज़ें पांच धातुओं का मिश्रण होता है। तो ये बच्चों के लिए पहनना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने अभी मेरे बेटे का जो राइस फीडिंग सेरेमनी था उसमें बनाई थी, तो मैं कभी कभी उसको पहनाती हूँ, तो ये अच्छा लगता है। मेरी बेटी भी पहनती है और मेरा बेटा भी पहनता है, दोनों को आ जाता है, दोनों छोटे छोटे हैं तो ये दोनों को पहना सकते हैं। ये लड़की भी पहन सकते हैं तो लड़का भी पहन सकता है, ये नॉर्मल जो बच्चे होते हैं दोनों के लिए हो जाता है। तो ये है रिंग, ये भी रिंग 3 ग्राम का है शायद, जो वो पंचरत्न बाला था वो 4 ग्राम का है और ये रिंग 3 ग्राम का है। ये छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। ये क्या होता है, जितने भी बच्चों का जो उंगली होता है वो तो हमेशा बढ़ता रहता है, तो जब भी वो बड़ा होते हैं तब तक ये होता है, क्योंकि ये आप देख सकते हो बस राउंड राउंड उसमें है, तो इसको बड़ा करके भी पहन सकते हैं और छोटे को छोटा भी पहना सकते हैं। और अगली चीज़ है, ये भी 24 कैरेट की गोल्ड की चेन है, ये मेरी शादी से पहले की चेन है, मैंने पहले शादी से पहले ही बनवाई थी, तो ये अभी घर पे ही पड़ा है, मम्मी पहनती हैं। तो मेरे पास बहुत सारी चेन हैं तो मैं इतना नहीं पहनती हूँ, ये मुझे नॉर्मली घर पे पहनने के लिए 22 कैरेट की जो मेरे पास चेन है मैं वही पहनती हूँ, वो अच्छा लगता है। 24 कैरेट की बहुत ही जल्दी टूट जाता है, तो इसलिए आप भी ये डिज़ाइन देख के आप बनवा सकते हो, ऐसे डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं जाली वाला डिज़ाइन। और ये आप देख सकते हो, ये है रिंग, ये भी जो मैंने पंचरत्न बाला दिखाई थी उसी टाइप का रिंग है, ये बहुत ही कम वेट में बन जाता है। जो ऊपर का जो जो आप देख रहे हो, ये ऊपर गोल्ड लगा है और इसमें जो वही पांच धातु वाला मिक्स होता है, ये रिंग भी बहुत शुभ माना जाता है। जिसको भी कम वेट में रिंग चाहिए या फिर सस्ते में रिंग चाहिए तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी पहनने के बाद अच्छा लगता है। इसका वेट है 2 ग्राम और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, सस्ते में भी बन जाता है। ये मेरे पास है मंगलसूत्र, इसको बोलते हैं शिवानी मंगलसूत्र। आजकल ये बहुत ही फैशन में है नेपाल में, नॉर्मली ये इंडिया में भी पहनते हैं, ये नॉर्मली हम जैसे जीन्स पहनते हैं उसमें भी पहन सकते हैं, और जो सूट पहनते हैं उसमें भी पहन सकते हैं, जो साड़ी नॉर्मल वाली साड़ी पहनते हैं उसमें भी पहन सकते हैं, ये जो भी आप पहनते हो उसमें बहुत अच्छा लगता है। ये नॉर्मली हम घर पे रहते हैं, नॉर्मली डेली यूज के लिए भी ये अच्छा होता है। इसका वेट भी बहुत ही कम है, कम वेट में बन जाता है, ये टोटल 4 ग्राम तक आपको अच्छा बन जाएगा। 3 ग्राम का भी बनता है, 2 ग्राम का, 1 ग्राम का भी बनता है, मेरे पास 2 ग्राम का भी है, ये तो 4 ग्राम का है। ये आप 3 स्टोन देख सकते हो, इसका 3 स्टोन है और साइड साइड में 2 बॉल लगा हुआ है, इसके वजह से थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। और मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको, वो बहुत ही 1.5 ग्राम का है, वो भी लाइट है, घर पे मैं डेली पहनती थी उसको, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था इसलिए मैं ये बनवाई थी, तो ये भी मैं डेली यूज में भी पहनती हूँ, नॉर्मली कहीं कहीं मार्केट वगैरह जाती हूँ तभी भी पहनती हूँ। तो आप ऐसे बना सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा और एलिगेंट लगता है, पहनने के बाद इसका बहुत ही अच्छा लुक्स आता है। ये आप दूसरा देख सकते हो, ये कम वेट वाला है और ये भी पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, इसमें 1 ही स्टोन है तो ये 1.5 ग्राम तक बन जाएगा। ये मेरे पास माथे का टीका और ये इयररिंग है, इसको पिजड़ा वाला इयररिंग बोलते हैं। इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डाला है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, इसलिए इस वीडियो में मैं इसका सारा डिटेल नहीं बताऊँगी। और ये मेरे पास 22 कैरेट के इयररिंग कलेक्शन है, ये छोटा छोटा है, बहुत ही अच्छा लगता है, डेली यूज के लिए मैं पहनती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे जो जूली बोलते हैं नेपाल में तो इसको, और इंडिया में तो नॉर्मल इयररिंग ही बोलते हैं, ये मेरे पास 6-7 जोड़ी हैं। तो थोड़ा सा आप भी डिज़ाइन देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप भी बनवाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।